हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है जिसमें हम समझेंगे राशनल मॉडल को ग्रुप मॉडल को गेम मॉडल एंड पब्लिक चॉइस मॉडल को सो लेट्स बिगिन पब्लिक पॉलिसी के सेवरल मॉडल्स होते हैं जिनमें से हमने इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल सिस्टम मॉडल एलिट मास एंड इंक्रीमेंटल मॉडल को प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिया था आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है स्टार्टिंग विद रैशनल मॉडल रैशनल का मतलब ही होता है तार्किक तो इस मॉडल का मानना है कि पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो एक लॉजिकल तरीके से सोचते हैं पॉलिसीज बनाते समय वो लॉजिक का या रैशनैलिटी का यूज करते हैं इनफैक्ट रैशनल पॉलिसी मेकिंग का मतलब ही ये होता है कि काफी सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना तो रैशनल मॉडल भी एक तरीका है जिसके द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं और इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकर्स हमेशा बेस्ट पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिनके थ्रू गोल्स को अचीव किया जा सके डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करके और ये बेस्ट ऑप्शन वो कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने लॉजिक का प्रयोग करके रैशनल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में पॉलिसी मेकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली इस स्टेप में जिस प्रॉब्लम पर वर्क करना है उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है फिर उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च की जाती है कि प्रॉब्लम किस प्रकार की है प्रॉब्लम का साइज क्या है सो so, इस स्टेप में प्रॉब्लम पर वर्क किया जाता है सेकेंड स्टेप इज सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इस स्टेप में हम अपने गोल्स को और उद्देश्यों को क्लियर करते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों चाहते हैं ये हम इस स्टेप पे डिसाइड करते हैं साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या बजट होना चाहिए क्या टाइम पीरियड होना चाहिए यह सब चीजें भी इस स्टेप में डिसाइड की जाती हैं सो so, लाइक like, अगर प्रॉब्लम यह है कि विलेजेस में बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है तो वो तो हो गया फर्स्ट स्टेप दैट इज द प्रॉब्लम सेकंड स्टेप क्या होगा सेटिंग क्लियर गोल्स इसमें ये क्लियर किया जाएगा कि अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है एजुकेशन से रिलेटेड तो उसका बजट कितना होना चाहिए कितने टाइम पीरियड तक ये पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन बच्चों तक पहुंचे विलेजेस में थर्ड स्टेप इज फाइंडिंग डिफरेंट सोल्यूशंस ऐसे तरीके निकाले जाते हैं प्रॉब्लम के क्या क्या डिफरेंट सोल्यूशंस हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाता है और ये किया जाता है रिसर्च के बेसिस पर इस स्टेप में इंफॉर्मेशन भी गैदर की जाती है ताकि मल्टीपल पॉलिसी ऑप्शन को डिवेलप किया जा सके और नेक्स्ट स्टेप होता है उन ऑप्शन को एनालाइज करना जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन निकल कर आए हैं ऑप्शन निकल कर आए हैं उन्हें हम एनालाइज करते हैं कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा हम एक एक करके सभी ऑप्शन को एनालाइज करते हैं और फिफ्थ स्टेप होता है चूजिंग द मोस्ट ऑप्टिमल पॉलिसी ऑप्शन जो हमें सबसे बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन लगता है या जो पॉलिसी को सबसे ऑप्टिमल बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन लगता है उसको चूज किया जाता है उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है जो हमने पॉलिसी ऑप्शन चूज किया है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पॉलिसी का मूल्यांकन या इवेल्यूएशन भी किया जाता है उसके शुरू में यह पता चलता है कि जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है उसका कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है तो ये होते हैं पॉलिसी मेकिंग के स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द रेशनल मॉडल and the rational model assumes that following logical steps lead to wisest and most reasonable policy choices. Rational model मानता है कि अगर हम policy making के logical steps को follow करेंगे तो उससे हम सबसे अच्छी यानी कि optimal policy को बना सकते हैं जो कि wise भी हो reasonable भी हो Another important feature is keeping away the biasness. Rational policy बनाते समय हमें इमोशंस को दूर रखना होता है पॉलिटिक्स को पर्सनल प्रेफरेंसेस को दूर रखना होता है हमें अनबायस्ड होकर कार्य करना पड़ता है तभी हम चीजों को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं और लॉजिक का यूज करके ही हम बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इट ऑल्सो इन्वॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ ऑल सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी वैल्यूज को ही कंसिडर नहीं किया जाता पॉलिसीज बनाते समय सभी एस्पेक्ट्स को देखा जाता है सोशल एस्पेक्ट को भी देखा जाता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाता है एज वेल एज मॉनिटरी एस्पेक्ट को भी देखा जाता है उसके बाद ही बेस्ट ऑप्शन को चूज किया जाता है सो राशनल मॉडल रिक्वायर्स मेकिंग हार्ड चॉइसेस अमंग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव रैशनल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है पॉलिसी मेकर्स को डिफरेंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव जो अवेलेबल होते हैं उनमें से बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन को चूज करना होता है और ऐसा वो कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर लॉजिक और पॉलिसी मेकिंग के प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके क्योंकि इन स्टेप्स को भी लॉजिकल माना गया है प्लस इस मॉडल के प्रोपोनेंट है एंथनी डाउंस इस थियोरी का एडवांटेज ये है कि ये रेशनैलिटी की बात करता है लॉजिक को यूज करने की बात करता है एनालिसिस की बात करता है और साथ ही साथ अनबायस्ड होकर पॉलिसीज़ बनाने की बात करता है लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ये रैशनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और कई बार ऐसी सिचुएशनस आ जाती हैं जहाँ पर रैशनल होकर डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाता है स्पेशली अगर टाइम कंस्ट्रेंट हो या मनी कंस्ट्रेंट हो तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि हम बेस्ट ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पाते हैं बल्कि हमें सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है सो दिस इज द रैशनल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नेक्स्ट इज ग्रुप मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी विच एज्यूम पब्लिक पॉलिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप स्ट्रगल ग्रुप मॉडल पब्लिक पॉलिसी को ग्रुप स्ट्रगल का प्रोडक्ट मानता है इस मॉडल का मानना है कि सोसाइटी में काफी सारे ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं वो पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिसीज को अपने फेवर में करवाने की कोशिश करते हैं इसके मेन प्रोपोनेंट हैं अर्ल नाथन। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं विद कॉमन इंटरेस्ट एंड डिमांड्स वो एक साथ आते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और इस मॉडल में इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं इवन जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स होते हैं यानी कि जो पॉलिसीज को बनाते हैं लाइक द लेजिस्लेचर उनको भी प्रेशर ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं सो so, लेजिस्लेटर्स को प्रेशर ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं इट इज एसोसिएटेड विद प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस ग्रुप मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या क्या स्टडी करता है ये स्टडी करता है कि ग्रुप्स के क्या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की डिमांड्स को एडजस्ट किया जाता है और फिर पॉलिसी बनाई जाती है इस प्रोसेस को भी ग्रुप मॉडल स्टडी करता है सो वेरियस ग्रुप्स इंटरक्ट टू देयर ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल्ड अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ इंटर करते हैं ताकि उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके और ये जो ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं अपने बेनिफिट में पॉलिसी को बनवाने के लिए और दूसरे को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करने के लिए ये टेक्निक्स होती हैं बार्गेनिंग की नेगोसिएशन की या कॉम्प्रोमाइज की बार्गेनिंग और नेगोसिएशन जैसी टेक्निक्स के थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के साथ मोलभाव करते हैं सो so अपने लिए वो बेस्ट पॉलिसी बनवा सकें, लेकिन अगर बारगेनिंग और नेगोशिएशन फेल हो जाए फिर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ग्रुप मॉडल एज पर दिस मॉडल पब्लिक पॉलिसी को फॉर्म्यूलेट कैसे किया जाता है कैसे ये बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलीब्रियम रीच जो ग्रुप स्ट्रगल चलता है यानी कि जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स स्ट्रगल करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए तो उस स्ट्रगल के बाद जो इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है विच मीन्स जो बैलेंस अचीव किया जाता है आफ्टर यूजिंग टेक्निक्स लाइक बार्गेनिंग नेगोसिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज उस बेसिस पर पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है इस तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है तो पब्लिक पॉलिसी क्या है ये वो इक्विलिब्रियम या बैलेंस है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करने के बाद पहुंचते हैं और इस इक्व पर कैसे पहुंचा जाता है बार्गेनिंग नेगोसिएशन और कॉम्प्रोमाइज जैसी टेक्निक्स को यूज करके सो फॉर एग्जाम्पल एक लेबर पॉलिसी है तो लेबरर्स का जो ग्रुप है वो चाहेगा कि पॉलिसी अल्टीमेटली उनके फेवर में हो उनको बेनिफिट करे वहीं बिजनेस ग्रुप्स जो होंगे वो ये कहेंगे कि लेबर पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो बिजनेस ग्रुप्स को भी फेवर करे ऐसी पॉलिसी ना हो जिनसे बिजनेस ग्रुप्स को नुकसान हो जाए और सिर्फ और सिर्फ लेबर ग्रुप्स को फायदा हो तो ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करेंगे नेगोसिएशन करेंगे अल्टीमेटली जिस रिजल्ट पर वो आएंगे जिस रिजल्ट पर वो पहुंचेंगे उस रिजल्ट के बेसिस पर पॉलिसी बनाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा और वो ही रिजल्ट होगा इक्विलिब्रियम या बैलेंस सो पब्लिक पॉलिसी जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है दे रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेंट ग्रुप ग्रुप्स तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में बट कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं दूसरों के मुकाबले और पब्लिक पॉलिसी को भी ऐसे ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इन डोमिनेटिंग ग्रुप्स के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं या उनको दर्शाती हैं क्योंकि देखिए जो डोमिनेटिंग ग्रुप होगा वो ज्यादा अच्छे से बार्गेनिंग स्किल्स का यूज कर सकेगा वो नेगोसिएशन भी अच्छे से कर सकेगा वो अपने मनी एंड मसल पावर का भी यूज उठा सकेगा और दूसरे ग्रुप से कॉम्प्रोमाइज करवा सकेगा अब आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि अगर बिजनेस ग्रुप लेबर ग्रुप से ज्यादा पावरफुल है तो उसको एक एडवांटेज होगी और वो पॉलिसी अपने फेवर में करवा सकेगा और दूसरे ग्रुप से कॉम्प्रोमाइज करवा के एक इक्विलीब्रियम या बैलेंस पर पहुंचेगा और एक बात मैं यहां पे बता दूं कि इक्विलिब्रियम या बैलेंस का मतलब यहां बिल्कुल भी ये नहीं है कि दोनों ही साइड्स को इक्वल इक्वल फायदा होगा नो no, ऐसा नहीं है डोमिनेटिंग ग्रुप्स जो हैं, वो पब्लिक पॉलिसी को हमेशा डोमिनेट करेंगे पॉलिसी मेकिंग इन गवर्नमेंट ऑल्सो टेंड्स द डोमिनेंट ग्रुप्स ये यहां बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कह रहे हैं सरकार का झुकाव भी उसी तरफ होता है जो ग्रुप डोमिनेटिंग होता है सो so, पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं सरकार में वो हमेशा डोमिनेटिंग ग्रुप्स को या डोमिनेंट ग्रुप्स को ज्यादा फेवर करती हैं। सरकार का तो रोल यहां पर सिर्फ एक रेफरी का है जब दो ग्रुप्स या दो से ज्यादा ग्रुप्स एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं जिसके लिए यहाँ पर टर्म यूज करी गई है इक्विलिब्रियम तो गवर्नमेंट का काम वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेफरी का होता है वो न्यूट्रल होके सब कुछ देखता रहता है उसका काम बस ये होता है कि एंड में जो भी विनर निकल कर आया है या जिस भी कंक्लूजन पर पहुंचा गया है उसके बेसिस पर ही पॉलिसी मेकिंग कर दो ये काम होता है गवर्नमेंट का सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल गवर्नमेंट का एक बहुत ही मिनिमल सा रोल होता है मेन रोल किसका होता है ग्रुप्स का

रैशनल चॉइस मॉडल क्या कहता था पॉलिसीज़ किस चीज का आउटकम होती है रेशनैलिटी का कई ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज किया जाता है और उस बेसिस पे पॉलिसी बनाई जाती है लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रुप मॉडल पॉलिसीज रिजल्ट होती है नेगोसिएशन का नेगोसिएशन के बेसिस पर ही एक इक्विलिब्रियम पर रीच किया जाता है और फिर पॉलिसी बनाई जाती है और ये ये भी एडमिट करता है कि रेशनेलिटी का सिर्फ लिमिटेड यूज ही हो सकता है ग्रुप मॉडल ये मानता है कि रेशनैलिटी का फुल यूज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि रेशनैलिटी का यूज करने के लिए ग्रुप्स को ज्यादा टाइम चाहिए ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ज्यादा एबिलिटी चाहिए इसलिए इसका सिर्फ लिमिटेड यूज ही हो सकता है लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है वो ये कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस और पब्लिक ओपिनियन के रोल को इग्नोर करती है उनको ओवरलुक करती है ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिसी में और एक और वीकनेस अगर आपने नोटिस की हो वो ये कि ये पॉलिसी फॉर्मूलेशन की बात तो करती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी इवेल्यूएशन की बात नहीं करती है तो ये भी एक वीकनेस है हालांकि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस मॉडल के थ्रू हमें ग्रुप्स का क्या रोल है पॉलिसी मेकिंग में वो पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्या टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए उनका पता चलता है तो ये होता है ग्रुप मॉडल सेवेंथ मॉडल है गेम मॉडल पहले तो मैं आपको गेम मॉडल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूं गेम मॉडल ये मानता है कि हर पार्टिसिपेंट या प्लेयर का ऑब्जेक्टिव होता है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा गेम्स को मैक्सिमाइज करना और अपने लॉस को या हार को कम करना इसके प्रॉपर हैं जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉरगेटर्न और गेम का मतलब यहां क्या है गेम का यहां मतलब है स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकर्स के बीच में जो स्ट्रैटेजिक इंटरक्शन होती हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर डिसीजन मेकर्स का आपस में कंपटीशन होता है उसको गेम कहा जाता है जैसे कि खेल में या गेम में कंपटीटर्स होते हैं यहाँ भी कंपटीटर्स होते हैं और पब्लिक पॉलिसी के परस्पेक्टिव में वो कंपटीटर्स कौन है डिसीजन मेकर्स। तो डिसीजन मेकर्स जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं कंपटीशन की सिचुएशन में उसे गेम कहा जाता है

तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते समय डिसीजन मेकर सिर्फ अपनी सिचुएशन नहीं देखेंगे बल्कि वो ये भी देखेंगे कि उनके कंपेटर्स क्या कर रहे हैं द गेम मॉडल एज्यूम्स प्लेयर्स मेक यूज ऑफ रेशनैलिटी ये मॉडल भी यही मान के चलता है कि सभी प्लेयर्स रैशनल होकर सोचते हैं लॉजिक का प्रयोग करते हैं और ऐसी स्ट्रेटजीज को वो यूज करते हैं जो कि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट देगी इन comparison टू their कंपेटिटर क्योंकि इस मॉडल के तहत आप स्ट्रेटजी तभी बना पाते हैं जब आपको ये पता हो कि आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है आपके कंपेटिटर की क्या चॉइसेस हैं इस मॉडल में भी एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस का जैसे कि ग्रुप मॉडल में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू विच एक प्लेयर सबसे बेस्ट ऑप्शन को या चॉइस को चूज करता है और जो ऑप्शन उसने चूज किया है वो उसके कंपेटिटर द्वारा चूज किए गए ऑप्शन से बेटर है और इसी वजह से एक प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पता होता है कि जो ऑप्शन उसने चूज किया है या जो स्ट्रैटेजी उसने बनाई है वो बेस्ट है तो जैसे कि दो कंपेटिटर्स हैं एक है ए और एक है बी ए को अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो पहले देखेगा कि बी ने क्या डिसीजन लिया है उसके बाद ही ए कोई डिसीजन लेगा और इसीलिए ए को लगता है कि जो उसने डिसीजन लिया है या जो उसकी चॉइस है वो सबसे बेस्ट है हाव एवर बैलेंस रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज फेयर बैलेंस के जो रिजल्ट है वो हमेशा फेयर नहीं होते हैं कुछ प्लेयर्स को ज्यादा फायदा होता है इन कंपेरिजन टू कहने का मतलब यहां ये है प्लेयर को तो लगता है कि उसने बेस्ट चॉइस ली है उसने बेस्ट ऑप्शन को चूज किया है बट जब उन चॉइसेस के रिजल्ट्स या आउटकम्स निकलकर आते हैं तब तो पता चलता है कि दूसरे प्लेयर को ज्यादा फायदा हो गया प्लेयर ए को लगता था कि उसकी स्ट्रेटजी प्लेयर बी से बेटर है लेकिन जब स्ट्रैटेजी का आउटकम निकल कर आया तो पता चला कि प्लेयर बी को ज्यादा फायदा हो गया इन कंपैरिजन टू ए सो बैलेंस रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज फेयर बैलेंस होता है डिफरेंट ऑप्शन में से चूज करना और उस बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाना इन पब्लिक पॉलिसी गेम थियोरी इज मोस्ट यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी देखिए गेम मॉडल को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी स्टडी करते हैं एज अ थियोरी लेकिन यहां पर हम इसे स्टडी कर रहे हैं एज अ मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी तो पॉलिसी मेकिंग के परस्पेक्टिव से इस मॉडल की रेलिवेंस कम है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है पब्लिक पॉलिसी के परस्पेक्टिव से ऐसे बहुत ही रेयर एरियाज हैं जहां पर गेम मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है और उनमें से एक है फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते समय हम गेम मॉडल को यूज कर सकते हैं वो कैसे सपोज कीजिए कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ऐसे में इंडिया को अपना क्या स्टैंड लेना चाहिए तो अगर हम गेम मॉडल के परस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया अपना स्टैंड लेने से पहले ये देखेगा कि उसके कंपेटिटर्स क्या स्टैंड ले रहे हैं यूएसए या चाइना जैसे कंट्रीज किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं या यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद ही इंडिया अपना एक स्टैंड प्रिपेयर करेगा तो यहां पर हमने अप्लाई कर दिया गेम मॉडल को वाइल्ड मेकिंग अ पॉलिसी इंडिया ने ना ही सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बनाई बल्कि ये भी देखा कि उनके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और ये सब देखने के बाद ही इंडिया ने अपना स्टैंड जाहिर किया तो ये था गेम मॉडल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको गेम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी समझ में आया होगा हालांकि इसकी वीकनेस है वेन इट कम्स टू पब्लिक पॉलिसी इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड है इसको हम सभी पॉलिसी मेकिंग सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं बट स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट थियोरी इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि एक प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी तभी बनाता है जब वो ये देख लेता है कि उसका कम्पेटिटर क्या कर रहा है सो दिस इज द गेम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जिसका मानना है कि एक प्लेयर अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है और इसके लिए वो डिसीजन मेकिंग करते समय ये भी देखता है कि उसके कंपेटिटर ने डिसीजन मेकिंग कैसे की है तो वो सिर्फ अपनी चॉइसेस को नहीं देखता है वो ये भी देखता है कि उसके कंपेटिटर ने क्या चूज किया है लास्ट मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज पब्लिक चॉइस मॉडल पब्लिक चॉइस थियोरी पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूं आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी तो पब्लिक वो है विंसेंट ऑस्ट्रॉम एंड गॉर्डन टिलॉक पब्लिक चॉइस मॉडल सबसे पहले तो इस बात को रिजेक्ट करता है कि पॉलिसीज पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। ये इस बात को डिनाई करता है बल्कि इसका मानना है कि पॉलिटिशियंस जो पॉलिसीज बनाते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हैं अपने बेनिफिट के लिए बनाते हैं ये जो मॉडल है ये पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ मिक्स करता है ये प्रॉफिट की भी बात करता है इस मॉडल का मानना है कि जैसे बिग बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना यही ऑब्जेक्टिव पॉलिटिशियंस का भी होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और इसीलिए वो पॉलिसीज बनाते हैं नॉट फॉर द पब्लिक वेलफेयर हाँ एक चीज को एक्सेप्ट करता है कि इलेक्शन से पहले वो जरूर ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे या प्रोग्राम्स बनाएंगे जो पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करती हो लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे और अगर वो पॉलिटिशियंस उन इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो पॉलिसीज को चेंज कर देंगे वो इस प्रकार पॉलिसीज को चेंज करेंगे ताकि वो पॉलिसीज उनको बेनिफिट कर सके तो इसका एग्जाम्पल है कि इलेक्शन से पहले टैक्सेस घटा दिए जाते हैं रिड्यूस कर दिए जाते हैं सो दैट जनता से वोट अपील की जा सके लेकिन जैसे ही इलेक्शंस में जीत हासिल हो जाती है टैक्सेस को दोबारा से इंक्रीज कर दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ना ही सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि ब्यूरोक्रेट्स भी प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव भी अपना बेनिफिट होता है राधर देन बेनिफिट ऑफ द पब्लिक सो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक चॉइस मॉडल पॉलिसीज किन के लिए बनाई जाती है पॉलिसीज आर मेड फॉर द पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस को बेनिफिट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है तो ये मॉडल एक नया नजरिया पेश करता है पब्लिक पॉलिसी की मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग उसमें मैंने मिक्स स्कैनिंग मॉडल बाय एमिटाई एमिटाईनी एंड ऑप्टिमल मॉडल बाय ड्रॉन भी डिस्कस किया है उन दोनों मॉडल्स को भी आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं सो आई होप ये मॉडल्स आपको समझ में आए होंगे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच आपका दिन शुभ हो